जा रहे हैं सरोजनी मार्केट अपने देवर के साथ। देखो मुंह देखो जरा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के लिए तो मॉर्निंग पूरा दे रहा है, सो पूरा है मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और आज बच्चों का स्कूल है तो आज उठना बड़ा बदला था। थोड़ा देर और सोते हैं, बड़ी कर दिए यहाँ पे अपने स्कूल का कुछ काम। स्कूल की जो तो स्कूल की टाइमिंग इनकी थोड़ा सा चेंज हो गई है, पर ये अपने यहाँ पे कपड़े भी प्रेस कर रही है तो उनके लिए मैं बनाती हूँ तब तक नाश्ता। और बच्चों के स्कूल खुल गए तो हमारी ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने कहा चलो मैं तब तक इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी तो तब तक ये लोग तैयार हो जाएंगे। चलिए चलते हैं। सो गाइज, नीचे आने के बाद मैंने फिर लगाई पूरे घर में झाड़ू, बाहर दरवाजे पे पानी वगैरह डाला, तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ना काम करने की इतनी जल्दी रहती है, बस ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम कर लो। और अभी इस टाइम ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, या तो फिर काम कर लो या फिर व्लॉग शूट कर लो, और बच्चे ना ठंड में सोते रहते हैं तो मुझे उन्हें जगाने का भी मन नहीं करता है। मैं खुद भी इस टाइम पे लेट ही उठ रही थी क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी थी, तो यहाँ पे बस दूध में से मलाई निकाली, मलाई निकालने के बाद फिर मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा और अब मैं बच्चों के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बना दूँगी। बच्चों के लिए पूड़ी बनाने के बाद, पूड़ी बना के फिर उसके बाद नाश्ते के लिए हम बनाएंगे जवे, तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं बच्चों के लिए पूड़ी बना रही थी उनका टिफ़िन पैक करने के बाद। बच्चे तब तक तैयार हो रहे हैं और इस बीच मैंने व्लॉग नहीं डाला, मैं उसके लिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे ना मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इतना समझाया है, थैंक यू माय ऑल यूट्यूब फैमिली, मेरी ऑडियंस जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करती है और हमेशा एक अच्छी ही चीज़ सीखती हूँ मैं आपसे, आप सब लोगों से। शायद मुझ में पहले बहुत सारी गलतियाँ थी या मैं मुझ में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों से सीखी हैं, उनको सुधारा है। शायद आप लोगों ने मुझसे कुछ सीखा है और मैंने आप लोगों से बहुत चीज़ें सीखी हैं, तो थैंक यू माय YouTube फैमिली। तो बस बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बना दी हैं और अचार लगा दूँगी। आज बच्चों ने पूड़ी और अचार बोला था, अचार के साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, आम के अचार के साथ। पता है हम लोग स्कूल जाया करते थे ना, तो मैं तो ज़्यादातर स्कूल के टाइम पे क्योंकि मुझे तो खुद ही खाना बना के ले जाना पड़ता था, मम्मी तो थी नहीं, तो होंगी मतलब मम्मी तीसरी चौथी क्लास तक थी तब तो उन्होंने बना के दिया होगा, लेकिन उसके बाद मुझे खुद ही ले जाना पड़ता था, तो मैं ज़्यादातर पराठा और अचार ही लेके जाया करती थी। पराठा, अचार, पूड़ी बहुत अच्छे लगते थे। और गाइज़ यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ, और ये रोटियाँ मैं घर के लिए नहीं बना रही थी, हमारे बगल में एक अंकल जी रहते हैं तो वो हर बार ना सर्दियों में भी गर्मियों में भी बहुत सारे गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, मतलब वो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हमारी गली में सभी लोगों से वो कभी 20 रोटी मतलब कभी मतलब जितना काउंटिंग में आती हैं उतनी रोटियाँ बनवाते हैं और वो रोटियाँ ले जाते हैं, फिर वहाँ पर ना बहुत सारे गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, तो ये मैं वही रोटियाँ बना रही थी। और ये काफ़ी सारे गरीब बच्चों को, गरीब जो लोग होते हैं जो बाहर ठंड में खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को किसी एक जने ने सब्जी बनाई होगी काफ़ी सारी, तो वो इंसान मतलब काफ़ी सारे टिफ़िन भर के मतलब बड़े बड़े वो होते हैं ड्रम से वो भर के सब्जी ले जाते हैं। और जो रोटियां होती हैं हम जैसी जो हाउस वाइफें होती हैं उन सब की मतलब गिनतियों में रोटियां आ जाती हैं, पूरी गली में सभी लोगों से रोटियां बनवाई, फिर उन रोटियों को बना के चुपड़ के और आप है ना किसी रैपर में पैक करके दे दो तो बस ये रोटियाँ चली जाती हैं। ऐसे अगर हर घर से भी 10-10, 20-20 रोटियाँ जाती हैं तो काफ़ी सारी रोटियाँ हो जाती हैं, अगर 10 घर से भी जाएंगी तो आप समझ सकते हो कि 100 रोटी तो हो ही गई हैं। तो इस तरीके से मान लो इस चीज़ में ना इस मतलब इस अभियान में ना काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते हैं और काफ़ी सारे लोग रोटियां बना के देते हैं, सब्जी बना के देते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कंबल दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, तो मैं भी इस पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा बन जाती हूँ और रोटियाँ बना के मैंने दे दी। उसके बाद मैंने घर के नाश्ते के लिए बनाई ये जवे और यहाँ पर हमारी बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो जवे किसको अच्छे लगते हैं मटर आलू डाल के मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो नाश्ते में मैंने बनाई है जवे और चलिए आज मैं आप लोगों को किसी से मिलवाती हूँ। सो हेलो गाइज, मॉर्निंग का मैंने आप लोगों को रूटीन दिखा दिया था और कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत डांट लगाई कि रिया ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो, तो अच्छा लगा कि आप लोगों को लगता है कि मुझे भी आगे जाना चाहिए। और स्पेशली प्रीति जी, रीना जी और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे इंस्टा पर पर्सनली मैसेज करते हैं रिया ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो, तो रिया बहुत आलसी हो गई है इसलिए व्लॉग नहीं डाल रही है।
और एडवोकेट किशोरपुरी जी ने मुझे कल पर्सनली फ़ोन करके बहुत ज़्यादा डांट लगाई, रिया हम आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और आप ब्लॉग नहीं डालती हो, सो थैंक यू कि आप लोग मुझे हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन सच में मैं थोड़ा आलसी हो गई हूँ, लेकिन आप लोगों की बातें सुन सुन के मुझ में थोड़ी सी फिर से जोश आ गया है कि मुझे नई ब्लॉग डालना चाहिए। और आप लोग जो बोलते हो मेरे भले के लिए बोलते हो, तो चलिए आज मैं आप लोगों को फिर से मिलवाती हूँ, क्योंकि से आप लोग हमेशा बोलते रहते हो। तो आपने परसों कृष्णा का मेकअप देखा था, तो आप लोगों ने मुझसे इंस्टा पे भी सवाल किए थे कि आपकी ननद आई हुई है। हाँ जी, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को मिलवाते हैं। तो आज किचन की बागडोर है, मेरी ननद ने सवाल रखी है। मैं वीडियो थोड़ा इसलिए नहीं बनाती हूँ, मैं सच में थोड़ा आलसी हो गई हूँ, और परी शौर्य गए हुए हैं स्कूल, तो उनके लिए सुबह नाश्ता वगैरह बना दिया था। नाश्ते में हमने जवे बनाए थे, तो आज उन्होंने बोला कि चलो मैं बना देती हूँ खाना, तो वो बना रही है बेसन की सब्जी। तो हाय हेलो बोल दो कुछ। हाय। तो वो बना रही है बेसन की सब्जी, ये जो बेसन की सब्जी बनती है ना, इसके पनीर से बन गए हैं, ये बच्चों को भी अच्छी लगती है। कुछ बोलो यूट्यूब फैमिली से। कह रही है शक्ल ऐसी हो रही है, तो शक्ल तो मेरी भी बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि ठंड में हम लोग है ना थोड़ा एक दिन छोड़ के एक दिन ना रहे, देख लो यूट्यूब पे मैं सच्चाई बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो ठंड लग जाती है भाई। एक मिनट देखो किसी का फोन आ रहा है। तो चलिए आपको कृष्णा से भी मिलवाते हैं। कृष्णा क्या कर, कृष्णा बहुत ज्यादा गुड बॉय है, यूं बोलता है कि मामी आप मेकअप करके रहा करो है, और हर बार आके मेरा मेकअप करता है, और कल मुझसे बोल रहा तो मामी आज फिर से मेकअप हो जाए, है ना, है सबसे बोल दो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। तो चलिए आप लोगों को सब्जी की रेसिपी दिखाती हूँ, आज न्यू रेसिपी बन रही है हमारे घर पे। ये है बेसन के, ये गट्टे थोड़ी ना, ये तो वो है क्या बोलते हैं इसको, इसको भी बोलते हैं कुछ पता नहीं, बर्फी। हाँ बेसन की बर्फी की सब्जी, मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले शेयर करी थी, पर आज आप लोग मेरे ननद की हाथ की देखिए। कुछ बोलना चाहोगे आप? बोलते हो ना कि आपके घर के लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि कुछ लोग है ना कैमरा शाये होते इसलिए नहीं आते हैं, और इतने दिनों से मैं भी कैमरे से दूर हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा बोलते बोलते मैं भी नहीं बन गए होंगे दो सीटी में। तो इन्होंने कहा चलो तुमने नाश्ता बना दिया है, खाना मैं बनाती हूँ, और कल नाश्ते में बना था हलवा जो कि मैंने शेयर नहीं किया, बट अब आप लोगों के साथ मैं रोजाना ब्लॉग शेयर करूंगी, जैसा भी ब्लॉग होगा छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ जरूर शेयर होंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली प्रीति जी ने कल मुझसे बोला कि रिया आपको किसकी बात इतनी बुरी लग गई है जो आप ना ब्लॉग नहीं डालते। मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी है, मैं थोड़ा सा आलसी हो ही गई हूँ, लेकिन अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालने की कोशिश करूंगी। और एक तो ये भी है कि परी के ना एग्जाम स्टार्ट होने वाले, थोड़ा सा ना बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है, टेंथ के एग्जाम है, और अगर मैं उन पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दूंगी, एक कमेंट मुझे आया था कि आप अपने मायके नहीं गए हो, तो इसीलिए नहीं गई हूँ, क्योंकि उसके ट्यूशन वाले सर बोलते हैं कि अभी छुट्टी बिल्कुल मत करवाओ, क्योंकि वो जो भी काम करवाते हैं ना, तो वो अगर मैंने 3-4 दिन की छुट्टी करवा ली इसकी, तो वो नेक्स्ट डे 4 डेज बाद वो उस बच्चे को नहीं समझा पाएंगे अकेले बच्चे को, तो इसलिए मैं छुट्टी मतलब मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ, जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, वहाँ के ब्लॉग भी शेयर करेंगे। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और चैनल को लाइक करिए, सॉरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग मुझे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए, और आगे शेयर भी किया करिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, और आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है मुझे। सही नहीं है। आज पड़ा हुआ आज मंजन नहीं किया, वो नहीं किया था, अभी अभी रखा था ना, दो बार तो खा चुका। और बेटियां ठीक है? आऊंगी मैं, घर आऊंगी ना तब मिलने आऊंगी, चलो कोई। सो गाइज यहाँ पे मैं हो चुकी थी तैयार, हम मतलब मैं और मेरी ननद देवर हम लोग जा रहे थे सरोजनी मार्केट, तो जैसे ही मैं तैयार होकर नीचे आई वैसे ही मेरे भाई और चाचा आ गए, और जो ये अभी बैठे हुए थे जिनसे मैं बात कर रही थी, तो ये हमारे जो पापा के ऑटो है ना वो चलाते हैं, तो इन भैया का भी आना जाना घर पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब मानते हैं, हम लोग भी इन्हें बहुत अच्छा मानते हैं, तो उनसे मैं बात कर रही थी, तो फिर मैं उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लग गई, तो जवे बना रखे थे मैंने, जवे गर्म कर दिए, नमकीन बिस्किट वगैरह कर दिया, बस हमारा जाने का टाइम हो ही रहा था,
तो मैंने फटाफट से नाश्ता लगा दिया, लेकिन चाचा ने तो चाय भी नहीं पी, कहते हम बेटियों के घर का नहीं खाते, मेरे पापा भी नहीं खाते थे, तो यहाँ पे बस उनके लिए मैंने नाश्ता वास्ता बनाया। उसके बाद हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे, टिट्टो भी आई थी, और जो भाभी का बेटा है ना वो छोटी वाली सिस्टर के पास ना कम से कम 15-20 दिन से रह रहा था, तो भाई उसको लेने के लिए गया था। और यहाँ देखो ये परी कैसे व्लॉग बना रही है, तो मैंने कुछ भी कटपिट नहीं किया, जैसा व्लॉग था मैंने वैसा ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और हम तीनों लोग जा रहे थे मार्केट, तो ये परी ने उल्टा सीधा व्लॉग शूट किया है, तो हम लोग इसी गाड़ी में बैठ गए। अच्छा लगता है ना सब लोग मिलके कहीं जाते हैं आते हैं, तो मेरा जो भतीजा है वो कह रहा बुआ घर चलो, बुआ घर चलो, तो मैंने कहा घर मैं बाद में आऊँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग इसी गाड़ी में बैठ के चले गए थे, भाई चाचा को लेके आए थे ना, चाचा के बेटे की शादी है तो उसका कार्ड देने के लिए आए थे। तो इन्हीं चाचा का जो बड़ा वाला लड़का है ना वो एक्सपायर हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था अपने व्लॉग में, शायद 2 साल हो गए उस चीज़ को, तो इनके छोटे बेटे की शादी हो रही है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सरोजनी मार्केट अपने देवर के साथ। देखो मुंह देखो जरा, शिवम मैं ऊपर जाती तुम मेरी वीडियो बनाते। यार आने का कोई फायदा नहीं है यार, एक भी वीडियो तो बना नहीं पा रही मैं। मार्केट में बना लेना, मार्केट में बहुत वीडियो बन जाएगी। सो गाइज यहाँ पे हम लोग सरोजनी मार्केट करके आ गए हैं, मैंने मार्केट में एक भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम मंडे मार्केट में गए थे तो वहाँ पे आप लोगों को जो लोग सरोजनी मार्केट करते हैं उनको पता होगा मंडे मार्केट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बस हम लोग आ रहे थे वापसी तो, लेकिन मज़ा बहुत आया। और यहाँ पे बज रहे थे शाम के 7:30। सो गाइस बज रहे हैं रात के 11:30 और हम लोग आए थे सरोजनी मार्केट से 8:30 के लगभग, और आके इतना थक गए थे, वहाँ पर इतनी भीड़ थी, सबसे ज़्यादा भीड़ तो थी मेट्रो में। मेट्रो में यहाँ से जाते वक्त तो ठीक था लेकिन आते वक्त इतनी भीड़ थी, बिल्कुल भी एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। मतलब बहुत टाइम बाद मतलब मेट्रो में इतनी भीड़ देखी है मैंने, होती होगी रोज़ होती होगी, मैं तो कहीं बाहर नहीं जाती ज़्यादा, जो वर्किंग है उनको पता होगा। तो उसके बाद वहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे ना फ़ोन वगैरह ना चोरी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। मैं सरोजनी मार्केट बहुत पहले गई थी, मुझे सरोजनी मार्केट इतनी समझ में नहीं आती है क्योंकि वो गर्ल्स के पर्पज़ से ठीक रहती है। आप लोग कहेंगे रिया आके आप गर्ल्स नहीं हो, मतलब जो कॉलेज वॉलेज पढ़ती हैं उनके लिए ठीक रहती है क्योंकि कॉलेज गर्ल्स के लिए वो उस तरीके के कपड़े वहाँ पे मिलते हैं। कॉलेज गर्ल्स हो गई या जो बाहर स्कूल वाली गर्ल्स हो गई उनके लिए अच्छे लगते हैं। शौर्य परी पीहू काना सब घर पर ही थे, सबको परी ने संभाला था, मतलब सबको परी ने ही घर पर रखा था। और मैंने थोड़ा ही शूट किया था तो मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं लाना था, लेकिन नंद को कुछ लाना था, उन्होंने कहा कि चलो चलो, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। पर मैं परी के लिए लेके आई हूँ एक 2 टॉप लेके आई हूँ और एक पैंट है, बस इतना ही लाई हूँ मैं तो, ज़्यादा कुछ नहीं लाई बस। हाँ ये है कि थोड़ा सा घूम के आके माइंड अच्छा हो गया है और थोड़ा अच्छा लगता है, कहीं बाहर घूमा हो तो अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद आए तो ननद और देवर ने मिलके मंगा लिया था खाना, तो हमने खाना पीना बना बनाया ही खा लिया। और शौर्य के लिए मैं कुछ नहीं लेके आई, शौर्य के लिए मैं कुछ भी लेके नहीं आई हूँ, परी के लिए लेके आई हूँ, शौर्य कह रहा मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई हो। तो वहाँ पे गर्ल्स के मतलब का ये है, बॉयज़ के मतलब का कोई भी कपड़े नहीं है, बच्चों के मतलब की भी मार्केट कोई वहाँ पर अच्छी नहीं है। सरोजनी कौन कौन घूम के आया है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ मुझे आप लोगों से आज एक बात और करनी है, मेरे पास कल मेरे एक सब्सक्राइबर एडवोकेट किशोरपुरी जी का कॉल आया जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरी ऑडियंस मुझे इतना पसंद करती है, वो लोग मुझे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ तो मुझे समझाते हैं कि रिया व्लॉग डाला करो, हम लोग आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, आपके व्लॉग सच में बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। सच में मुझे नहीं पता था कि मुझे यूट्यूब ऑडियंस से इतना प्यार मिलेगा और उन्होंने मुझे इतना समझाया, थैंक यू एडवोकेट किशोरपुरी जी, आपने मुझे इतना समझाया कि रिया आपको व्लॉग डेली डालना है और जितना टाइम आप घर के खाने के लिए निकालते हो, काम के लिए निकालते हो, पूजा पाठ के लिए निकालते हो उतना ही टाइम ये भी आपका वर्क है और
प्रीति जी ने तो मुझे मैसेज किया कि रिया आपको किसकी बातों का बुरा लगा, शायद मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि रिया आपको किसकी बातों का इतना बुरा लग गया कि आप व्लॉग ही नहीं बनाते हो। मुझे किसी की बातों का बुरा नहीं लगा है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुझे कि मेरे को ना व्लॉग डालने का मन ही नहीं करता। लेकिन अब मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ अपने व्लॉग को डेली शेयर किया करूँ। थैंक यू एडवोकेट किशोरपुरी जी, उन्होंने पता है मुझसे यहाँ तक बोला कि रिया अगर आपके पास फ़ोन ना हो तो मैं आपके लिए फ़ोन का अरेंजमेंट भी कर दूँ। बस आपने इतना पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद रिया के पास कुछ चीज़ों की कमी है, इसलिए वो व्लॉग नहीं बनाती है। इसमें एडवोकेट किशोरपुरी मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही नेचर वाइज अच्छे हैं। पता है आप लोगों को, एडवोकेट किशोरपुरी से मेरे भाई बहन ये सब लोग बातें करते रहे। अभी बीच में हम बहुत एक प्रॉब्लम में आए थे जिसका हमने सजेशन एडवोकेट किशोरपुरी से लिया था, तो इन्होंने बहुत ही सजग मतलब क्या कहते हैं उसे हिंदी में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और शायद ऐसे एडवोकेट ऐसे वकील बहुत कम होते हैं जो कि एक मतलब किसी भी क्लाइंट को एक फैमिली की तरह समझाएं। सो थैंक यू, आपने मुझे कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। प्रीति जी, रीना जी और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, और एक माँ बेटी की दुनिया है, वो भी मतलब मुझसे ना बोली थी कि रिया व्लॉग क्यों नहीं डालते हो, व्लॉग डाला करो, व्लॉग क्यों नहीं डालते हो। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मुझे पता चल रहा है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे व्लॉग देखना पसंद करती है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग में नई नई चीज़ें लेके आऊँ। और आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, बस मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि आप लोग ना अपनी बातों से ना मुझे ना इतना वो कर देते हो, इमोशनल कर देते हो। कितने सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रखे हैं, शौर्य देखो हंस रहा है। शौर्य वीडियो में बोलना नहीं आता इसको, अगर इसे यूँ बोलो ना कि वीडियो बनाओ, वीडियो में बोलेगा। देखो अभी मुंह बन रहा है इसका, तो वीडियो में बोलना नहीं है, वीडियो बनानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई वीडियो बना रहा होगा तो बदतमीज बनने की हरकतें देते रहनी है। तो अच्छा लगा आज मेरा माइंड थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्योंकि घर में रह रहे ना थोड़ा माइंड अजीब सा हो जाता है। वैसे पता है मेरी इसी फरवरी में ना बहुत जगह फरवरी में बहुत जगह जाना है। देखते हैं अगर जा पाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी अगर मैं गई तो, क्योंकि ना परी के पेपर हैं, इस वजह से मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है। और आप लोगों से मैं बात भी करूँगी बाद में। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे वीडियोज़ को शेयर करना, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज़ मुझे बताया करिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सो मैं अब आप लोगों के कमेंट्स रोज़ ही रीड किया करूंगी। आप लोग मुझे बताया करिए कि रिया आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और थैंक यू दिल से प्रीति जी, एडवोकेट जी, माँ बेटी की दुनिया, रीना कौशिक जी, ओम प्रकाश भाई जी, जिन जिन के मुझे नाम याद है, एंड मेरी पूरी यूट्यूब ऑडियंस को थैंक यू जो आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो, हमेशा मेरे को समझाते रहते हो कि रिया प्लीज़ व्लॉग बनाया करो। सो मैं क्या कहूँ, बस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। सो गुड नाइट आप सभी को, राधे राधे, बाय बाय।